Finally, the day has arrived. I am going to board India's fastest semi-high-speed bullet train, Vande Bharat. यह नाम अब सिर्फ एक नाम नहीं है, यह है बदलते भारत की नई पहचान. इंडिया के इंडिजेनस ने बिल्ट वंदे भारत, जो कि केपेबल है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को अचीव करने के लिए. प्रोड्यूस की गई है बाय ICF चेन्नई. द ट्रेन ऑफर्स टू टाइप्स ऑफ क्लासेस ऑन बोर्ड, अ चेयर कार एंड एन एग्जीक्यूटिव वन. और आज हम ट्रैवल करेंगे बिटवीन द टू टॉप मोस्ट फाइनेंशियल हब्स ऑफ द कंट्री, गुजरात अहमदाबाद टू महाराष्ट्र मुंबई. एंड यू आर वॉचिंग रेडियो एक्टिव रुचि. दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त रुचि त्रिवेदी. लेट्स बिगिन. हाय गाइस, व्हाट्स अप, स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर मेरे चैनल रेडियो एक्टिव रुचि पे. कैसे हैं आप लोग? फाइनली मैं हूँ गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पे. व्हाट अ ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन. It is tremendously very beautifully built and I feel like मैं किसी international railway station पर. और आज का जो ब्लॉग है आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ी लिया है, वो है वंदे भारत का ब्लॉग. तो रिसेंटली यहाँ पे वंदे भारत 2.0 इनॉग्रेट हुई और यहाँ गुजरात को मिली अपनी वंदे भारत. सो फाइनली मैं हूँ इस रेलवे स्टेशन पर एंड आई एम गोना बोर्ड दिस. और ये इंजनलेस इंडिजीनियसली बिल्ट जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है ना, गजब होने वाला है यार. 16 कोचेस के थ्रू ट्रैवल करते हैं. मैं इसी चेयर कार में जाऊंगी. और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए, जैसा कि हम आगे देखने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही देते हैं. वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. सो आज की जर्नी के लिए हम लोग पहुंच गए हैं द पॉलिटिकल कैपिटल ऑफ गुजरात, गांधीनगर में. जी हाँ, इसे महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया था क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रेसेस जो हैं वो उनके लाइफ के मिलते हैं. इसको ट्री कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि 54% जो लैंड कवर है वो ट्री का है. ऑल्सो इसे गिफ्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है. गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि गांधीनगर में डेवलप करी जाएगी. सो व्हाट एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग थ्रू नाउडेज. गांधीनगर से निकलेगी, उसके बाद हम अहमदाबाद होते हुए मुंबई सेंट्रल की तरफ जाएंगे. सो गाइस, लेट्स बोर्ड द ट्रेन. उसके बाद आपको चीजें बाकी सारे डायनामिक्स आप स्टोरी में सुन ही लीजिए. इस ट्रेन सेट के वहीं अगर एक्सटीरियर की बात करी जाए तो सामने हमें एंटी ग्रेफिटी एक्सटीरियर पेंटिंग का नमूना नजर आता है, जो कि इस ट्रेन को काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ग्लैमरस लुक देता है. विंडोज की वहीं बात करी जाए तो कंटिन्यूस ग्लास पैनलिंग सिस्टम को यूज किया गया है, जिससे कि ऐसा लगता है जैसे एक ही ग्लास पूरा कंटिन्यूटी में लगाया गया है. डोर की वहीं बात करी जाए तो ऑटोमेटिक ग्लास पैनल टच फ्री IC स्लाइडिंग डोर प्रोवाइड किया गया है. तो गाइस, जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं वो आप सारी स्टोरी सुन लेंगे यहाँ पे. टाइमिंग्स, फेयर, सब चीजें मैं आपको बता दूंगी. मतलब मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है ना बॉर्डेट. ये देखिए ट्रेन के इंटीरियर में हमें जो पैनलिंग दिखती है वो काफी ज्यादा स्ट्रीम लाइंड फिनिश के साथ प्रोवाइड करी गई है. LED बेस्ड डिफ्यूज लाइटनिंग सिस्टम, GPS बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑनलाइन वाईफाई, चाहे वो वैक्यूम असिस्टेड बायो टॉयलेट्स हो, चाहे वो ऑन बोर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम हो, फुली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर, बोल्स्टर लेस बोगी सिस्टम हो, टच वाली लाइट है, यहाँ पे जलाएंगे तो टच से जल जाएगी. न्यूज़पेपर मिल जाते हैं हमें यहाँ से. अगर आप देखेंगे तो आप इसको दबाने के बाद रिक्लाइन कर सकते हैं. इसको प्रेस करेंगे पीछे की तरफ होंगे, रिक्लाइन हो जाएगी सीट्स. कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखता है. यहाँ पे आपको सामने ही दिख जाते हैं सीट नंबर. ब्रेल लिपि में भी दिया हुआ है, चाहे वो रीजेनरेटिव EP ब्रेक सिस्टम हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम TPWS या ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम हो, वो भी प्रोवाइड किया गया है. कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल CBTC इसको फिट किया गया है. इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट भी प्रोवाइड करी जाती है. सेंट्रलाइज्ड कोच मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमें दिख जाता है. सिग्नल एक्सचेंज लाइट, डोर इंडिकेशन लैंप्स, इनडायरेक्ट लगेज लाइट्स भी आपको दिख जाती हैं लगेज रैक्स पे, और AC डक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. गाइस, कैसा लग रहा है? फॉर मी इट हैज बीन अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट
ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस. सबसे चीज़ है कि यार यहाँ पे ना न्यूज़पेपर मिल जाते हैं एटलीस्ट, बिकॉज व्हेन वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज़ या प्लेस. अगर आपको न्यूज़पेपर मिलता है, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज़्यादा आती हैं, जैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दैट इज़ अ वेरी 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 गुड क्वालिटी. आपने सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो तो जान ही ली होंगी ट्रेन की, और अब जो हमारी जर्नी है गांधीनगर कैपिटल से शुरू होने वाली है. एक्चुअली वैसे एक बात बताऊँ, अहमदाबाद का जो एक्सपीरियंस है ना मेरा बहुत गजब रहा. सबसे अच्छी चीज़ जो अहमदाबाद वालों की है वो है कि वो ऑनेस्ट बहुत होते हैं. बहुत मतलब यार मैं इतनी सारी चीज़ें खो चुकी हूँ, मैं अपनी सोलो ट्रिप पे निकली हूँ, इतनी सारी चीज़ें खो चुकी, अपना बैग खो चुकी, चीज़ें खो चुकी, सब चीज़ें मुझे वापस मिल गई. आई जस्ट फील यार हद है. बट यस, यहाँ पे गुजरात में लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा यार. चार्जर खो चुकी हूँ अपना, वो वापस मिल गई मुझे, मेरे स्लीपर्स थे वो शूज़ थे सॉरी मेरे वापस मिल गए. फिर मुझे मेरा बैग था वो मैंने पूरा छोड़ दिया था मेट्रो रेलवे स्टेशन पे, वो भी मुझे मिल गया था. बट एवरी वन इज वेरी कोऑपरेटिव. सो डोर्स जो हैं हमारे लॉक हो चुके हैं फाइनली, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं गांधीनगर से. वहीं पैंट्री की अगर बात करी जाए तो ऑल कोचेस हैव देयर ओन पर्सनलाइज्ड पैंट्री, अ मिनी पैंट्री सिस्टम. एक्चुअली द मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस कवर्स 522 किलोमीटर्स डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड गांधीनगर इन 6 आवर्स एंड 15 मिनट्स. द ट्रेन रन्स ऑन ऑल डेज एक्सेप्ट संडे. द एग्जीक्यूटिव क्लास, दिस इज हाउ द एग्जीक्यूटिव क्लास लुक्स लाइक. ये जो है ना यहाँ पे आपको ये लिवर प्रेस करना होता है और ये पूरा रोटेट हो जाती है, ठीक है. दिस इज़ ऊपर से नीचे तक ऐसा दिखता है एंड यहाँ से यहाँ तक ऐसा दिखता है. कलर कॉम्बिनेशन जो है इसकी कुशनिंग परफेक्ट दी जाती है. और यहाँ पे आपको जो टेबल्स होती है ना, आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आपको ट्रे टेबल मिल जाएगी और इसको खोल के आप सामने रख सकते हैं, जस्ट लाइक इन एयरक्राफ्ट ना, जैसे एयरक्राफ्ट में होता है वैसे ही करा जाता है बस यहाँ पे. और आपको देखो विंडो जो है ना पूरे बड़े पैनल्स होते हैं, ठीक है. जो ऊपर की लाइटिंग है वो डिफ्यूज लाइटिंग कहलाती है. वहीं अगर ट्रेन के टाइमिंग्स की बात करी जाए तो ये गांधीनगर जो कि कैपिटल है गुजरात, वहाँ के रेलवे स्टेशन से दोपहर की 2:05 पे निकलती है. हॉल्स 5 होते हैं, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वापी, बोरीवली, और लास्ट जो डेस्टिनेशन जो होता है वो है मुंबई, जहाँ ये रात की 8:25 पे पहुँच जाती है. Look at this girl, the beautiful one they met. So guys, Sabarmati hamara skip ho chuka hai, ab hum seedhe pahunchne wale hain iske baad Ahmedabad. Gaadi to bhai apni speed se chal rahi hai aur aap log bhi apni speed se chal rahe hain. Aur main jo seat hai na wo ek aisle seat hai aur mujhe koi farak nahi padta. Main aapko views dikhai dunga. Whatever, ab dekhte hain kya services hain. What are the meals and water bottle ke delivery already ho chuki hai. It is actually quite an experience if you really want to come over here and have it. Wahi agar iske fare ki baat kari jaye to chair car mein aapko dena hota hai 1420 rupees, 1420 rupees, aur agar wahi executive class ki baat kari jaye to 2630 yani 2630 Indian rupees aapko pay karne padte hain. But in a like fan of Gujarat, jab hum log Mumbai se, when I was with Air India or Jet Airways, to Mumbai mera base tha, so from Mumbai to Ahmedabad waise bhi itni choti si tumne se flight hoti thi, tab tak ek acha scene aa gaya. I'll show you that just a second. The Sabarmati River, it's so pretty. This is the whole riverfront that you look at this. अहमदाबाद पे चढ़ने वाली है बहुत सारी भीड़, क्योंकि मैं गांधीनगर इसके लिए आई थी ताकि मैं आराम से कोई ब्लॉग करके अपने दिखा सकूँ प्रॉपरली, क्योंकि तब तक चीज़ें खाली रहती है. अहमदाबाद में बहुत सारी भीड़ चढ़ने वाली है और गाड़ी होने वाली है बैग. इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे वडोदरा और पहुँचेंगे सूरत और जल्द ही हम लोग पहुँचेंगे मुंबई सेंट्रल फाइनली. और सामने बात खड़ी हुई है हमारी आगरा कैंट अहमदाबाद, ये देखें.
एंड लुक एट दिस, एवरीवन इज वेटिंग. या एंड पीपल्स मोबाइल फोन्स आर आउट बिकॉज एवरीवन इज काइंड ऑफ यू नो फिल्मिंग इट डाउन. सो या कैन यू सी अहमदाबाद को क्या होता, देखिए बहुत ज़्यादा बहुत भीड़ एकदम से, यही क्योंकि मेन स्टेशन है. और वहीं अगर इसकी पैसेंजर कैपेसिटी की बात करी जाए तो मोर देन 1100 पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल कर सकते हैं मुंबई से गांधीनगर या गांधीनगर से मुंबई तक. एवरीवन इज टेकिंग पिक्चर्स, हर कोई निकाल रहा है कि इट इज एन इंजनलेस ट्रेन, देयर इज नो इंजन इन इट. एंड जो इसका जो मटेरियल होता है, जिस मटेरियल से बनी होती है ना, उसे एक एयरक्राफ्ट बना होता है, एक एलॉय, ठीक है, एक मिक्सचर होता है मेटल्स का, उसे कहते हैं एलॉय. तो क्या होता है, बहुत लाइट कर देता है, मतलब जो वेट हो जाता है बहुत लाइट हो जाता है एलॉय का यूज़ करने से. तो एलॉय से बनी हुई ट्रेन है एंड इट इज क्वाइट एन एक्सपीरियंस फॉर मी गाइस. हैट्स ऑफ टू ऑल द इंजीनियर्स, ऑल द आर्किटेक्ट्स, ऑल द पीपल दैट एक्चुअली काइंड ऑफ हैव कम अप टुगेदर विद दिस प्रोजेक्ट. And actually kind of it is a moment of privilege, right? As an Indian you feel so privileged that aap aise train mein safar kar rahe hain. We are leaving Ahmedabad and everyone has seated. अहमदाबाद के बाद से शुरू हो जाती है स्नैक्स सर्विस. सबसे पहले हम लोगों को वाटर बॉटल प्रोवाइड करी जाती है, उसके बाद ये पूरा जो सेट है वो प्रोवाइड किया गया है, ये स्नैक्स का ट्रे सेट है, साथ में हमें टी भी प्रोवाइड करी जाती है. आप देख सकते हैं किस तरीके का दिख रहा है. ये जो इलायची टी मिक्स पाउडर दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है टी का. स्नैक्स भी मुझे लगता है कि अच्छा था, आप खा सकते हैं. अ हैंड सैनिटाइजर, अ सेट ऑफ कटलरी एंड अ नैपकिन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद इट. तो जो जी पी एस बेस स्पीडोमीटर से मैं नहीं दिखाने वाली, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे आपको स्पीड पता चल सकती है कि फिलहाल किस स्पीड को मेंटेन करी हुई है वंदे भारत. ये हम लोगों को मिलने वाला है यहाँ पे हॉट वाटर जो सर्व होगा, अच्छा फ्लेवर की रहती है ये. और सर आपको कैसा लग रहा है वंदे भारत का एक्सपीरियंस? नाइस, बट आई थिंक दे हैव एडवर्टाइजमेंट ऑफ दैट स्पीड ना. व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? 130. आवर ट्रैक्स आर नॉट दैट कंपैटिबल. यस, ट्रैक्स आर नॉट फिट. यस, ट्रैक्स आर नॉट फिट फॉर दैट. यस, ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस. इट्स टी टाइम एंड इट इज वंदे भारत. इसके अगर लेबोरेटरी मैकेनिज्म की बात करी जाए जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड लुक इसको प्रोवाइड किया गया है, फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. अंदर चल के हमें दिखता है कि FRP मॉड्यूलर टॉयलेट है फॉर पर्सन्स विद मोबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शंस, स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए इसको अच्छी तरीके से फिट किया गया है. वहीं पर आपको वैक्यूम असिस्टेड बायो टॉयलेट दिख जाता है. और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं एमिनिटीज प्रोवाइड करी गई हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये, एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है. अब ऐसे करेंगे कि हैंड ड्राई हो जाएगी. डस्टबिन यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आपको इतना सोप डिस्पेंस है, इसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने से आपको यहाँ पे सोप आ जाएगा, ठीक है. तो लुक एट द स्पेस, लॉट ऑफ स्पेस. ये देखिए डोर्स आर क्लोजिंग फाइनली. सर कैसा लग रहा है आपको यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, नाइस, फर्स्ट टाइम मेरी इस पे जर्नी है. हाँ जी, काफी अच्छा लगा था. आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं? मतलब गांधीनगर से मुंबई जा रहा हूँ. गांधीनगर से मुंबई, हाँ, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका? हाँ, शताब्दी में जाते थे. ओके, इंटीरियर कैसा लगा आपको ट्रेन का? यस, है ना, या इट्स काइंड ऑफ हम लोग अच्छी टक्कर दे रहे हैं मेक इन इंडिया में चीज़ें बना के. मेड इन इंडिया.
ऑब्वियसली ठीक है सर का एक्सपीरियंस तो संजय सर का तो बहुत अच्छा रहा. थैंक यू सो मच. बहुत से लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो ये हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर की फॉरेन की ट्रेन होती है ना उसमें आ रहा है. तो जैसे मैंने कहा कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि फॉरेन की ट्रेन जैसा एक्सपीरियंस है, मैं बोलूँगी इंडिया की ट्रेन जैसा एक्सपीरियंस है. दिस इज द न्यू इंडिया. वैसे भी अनाउंसमेंट होती है उसमें पता चल जाता है कि इस साइड वाला खुलेगा या फिर इस साइड वाला खुलेगा. देखिए डोर्स आर क्लोजिंग फाइनली. डिपार्टिंग फ्रॉम सूरत. Also has been added to the route. So we वापी हम लोग पहुँचने वाले हैं. स्मॉल सी जगह है. इट्स अबाउट रेलवे स्टेशन आ चुका है. इट्स अबाउट 6:24. और अब शुरू हो गया है रात के डिनर का टाइम और मेरा फेवरेट टाइम. सामने ही आपको दिखती है एक गर्मा गर्म प्लेट सजी हुई जिसमें प्रोवाइड किया गया है डिनर. डिनर में अगर आप देखेंगे तो आपको पराठे मिल जाते हैं दो स्क्वायर शेप्ड में, पनीर मिल जाता है, दाल मिल जाते हैं और साथ में राइस भी मिल जाता है. और ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा मील था जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ. आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप भूखे हैं ट्रेन में. सो जो मील है वो ऑफकोर्स अच्छी है. मतलब ये ना सटल है, काफ़ी सटल है. मैंने टेस्ट दाल दाल भी बहुत अच्छी है. इसमें जो कड़ी पत्ता है उसका जो है ना वो स्वाद ऐड किया गया है. दैट मेक्स इट क्वाइट अमेजिंग. दो स्पून स्वाद कड़ी पत्ता का स्वाद है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. इट्स वेरी नाइस. बस आते हैं दो पराठे पराठे टाइप में लिए जाते हैं. दैट यू विल सी इट्स अ स्क्वायर शेप में ऐसा करके. और साथ में पेपर और सॉल्ट भी दिया जाता है. तो कोई लोग मुझे पेपर और सॉल्ट खाना चाहते हैं तो वो भी है. और राइस वगैरह प्रॉब्लम. सो लव द मील ऑल टुगेदर. देयर इज लिटिल बिट ऑफ कर्ड दैट वो कर्ड की बहुत अच्छी कर्ड की. सो आई एम गोना फिनिश माय मील नाउ. कुछ ही टाइम बाद जैसे भी हम लोग मुंबई से
हॉस्पिटल पहुँच ही जाएंगे एंड ऑल टुगेदर फ्रॉम दिस नाइस जो सुबह जो शाम को जो स्नैक्स सर्व हुआ था वो भी अच्छा था, देखो कचौरी ने और जो अभी जो सर्व हुआ है वो एक प्रॉपर डिनर है। कम्प्लीट माई मील और अब शाम हो गई है तो आप लोग भी कम्प्लीट खा लीजिए अपना खाना एंड सी यू अगेन जल्दी ही, अब सीधे मिलेंगे खाना वाना खा के अपने यहाँ मुंबई सेंट्रल में। जो नहीं अभी तक की कैसी लगी वो लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। लवली फूड अमेजिंग। स्वीट्स में हमें ये दी जाती है एक आइसक्रीम एंड ये बटर स्कॉच फ्लेवर में है। वैसे ये मेरी पूरी बिगड़ चुकी है बिकॉज मैं लेट हुई हूँ खाते खाते बट फिर भी लेट्स टेस्ट इट। फाइनली वी हैव रीच्ड मुंबई सेंट्रल। And people are about to get down. Okay, so it's 8:23 and we are actually kind of before time. And finally, हमारी वंदे भारत पहुँच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन पे finally. So I'm going to get down. फिर आप सब करते हैं जर्नी को हम लोगों ने कर लिया है cool. Look at this. तो गाइस फाइनली जो हमारी जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है वंदे भारत की। आप लोगों को ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और अगर लगी हो बहुत अच्छी तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीछे हमारी इंजनलेस पूरी रेल खड़ी हुई है एंड लुक्स सो ब्यूटीफुल, इट इज़ एक्चुअली अ ब्यूटी अगर कहा जाए तो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आप आ सकते हैं, फूड ट्राई कर सकते हैं, पूरी जर्नी को कमेंट्स कर सकते हैं, अमेजिंग एक्सपीरियंस है और आपने सारी स्पेसिफिकेशंस तो जान ही ली होगी। तो चलिए यहीं पे मैं आपसे अलविदा देती हूँ, मूव करते हैं नेक्स्ट व्लॉग की तरफ पर। अभी के लिए कहते हैं अलविदा, जल्द ही मिलती हूँ आपसे मेरे चैनल रेडियो एक्टिव रुचि पे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्प्रेड हैप्पीनेस, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। लेट्स सी यू अगेन, बाय।